हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो कल जो है क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? क्रॉस प्रोडक्ट। जो बच्चा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है उसको आज का क्लास समझ में नहीं आएगा, कल से पूरा समझ में आएगा। नया टॉपिक आने वाला है कैलकुलस, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर रेगुलर क्लास करते हो तो। पक्की बात। कल पढ़ाए थे क्रॉस प्रोडक्ट, कल स्टार्ट किए थे। इसका एक और नाम है, बोलो क्या नाम है? वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए क्रॉस बी इक्वल टू, कहां लेके चल गए कपड़ा? बहुत आदमी से क्या है ना, काम करवाना जो है टेंशन, उसी में से आते हैं हमारे राजेंद्र जी। तो एक काम बोलिएगा तो इनके पीछे आपको चार काम करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी क्या होता है बोलो ना, बोलो ना। ए बी साइन थेटा, ए बी साइन थेटा। थेटा थेटा किसके किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और, अरे बोलो ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। क्या ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है? क्या इसमें डायरेक्शन भी होगा? हाँ, नाम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप। ये कैसा यूनिट वेक्टर है? एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए फिजिक्स में किसको याद करते हैं? यूनिट वेक्टर को याद करते। ये कैसा यूनिट वेक्टर है? एक वर्ड बताए थे कल, रेडियल यूनिट वेक्टर। लिखे थे कॉपी में? नहीं, रेडियल यूनिट वेक्टर। जो अभी समझ में आ रहा है वो लिखते जाना है, रफ में भी लिखना है क्योंकि अभी सामने से समझ रहे हैं ना। ये है रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर मतलब, रेडियल यूनिट वेक्टर मतलब याद कीजिए, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे? हेलो, राइट हैंड थंब रूल। ये ए क्रॉस बी कट, ऐसे नहीं होता था इसका। राइट हैंड थंब रूल कल सिखाए थे ना, ये है फोर फिंगर, ये है थंब, ए पे ऐसे रखिए, बी की तरफ घुमाइए, थंब जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो ए और बी से मिलके बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन होता था? ए क्रॉस बी का, मतलब एन कैप का, मतलब एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ऐसे वेक्टर को क्या नाम दिया गया है? रेडियल वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। ओके, एन कैप का डायरेक्शन किधर है? ए और बी से मिलके बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है आज, ये है कल नहीं पढ़ाए थे, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस। किसका एग्जाम्पल? क्रॉस प्रोडक्ट। किसका एग्जाम्पल? क्रॉस प्रोडक्ट। पहला एग्जाम्पल देखिए, टॉर्क सुने हैं। टॉ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। क्या होता है टॉ इक्वल टू आर क्रॉस? अरे जैसे ये बोले थे ना ए क्रॉस बी, उसी तरह आर क्रॉस एफ। हेलो, इधर ध्यान से लिखना बंद कीजिए। ए क्रॉस बी क्या होता है? तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा? आर एफ, आर एफ, आर एफ। पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू साइन थेटा, पी क्यू साइन थेटा। नहीं आया समझ में? क्लियर है? टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। R क्या है, F क्या है, सब बताएंगे।
दूसरा एग्जांपल देखिए, L इक्वल टू R क्रॉस P, क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ें। अगला एग्जांपल, v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, a इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस r। आप लिखा सर क्या क्या आप लिखते जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? आप बोलेगा क्या क्या लिख रहे हैं सर, ए क्या है, अल्फा क्या है, आर क्या, सब पता चलेगा। ये सब कहां किस चैप्टर में पढ़ेंगे पता है, रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर में, रोटेशन चैप्टर में ये सब। अभी इतना ही जानना है कि जैसे ए क्रॉस बी था तो ए बी साइन थीटा हो गया, ये अल्फा क्रॉस आर है तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ओमेगा आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है बता देते हैं, टी है टॉर, क्या है ये, इसको पढ़ते टाऊ, क्या पढ़ेंगे बोलो, टाऊ बोलो, टाऊ न टाऊ, कोई दिक्कत, टाऊ क्या है, टॉर्क, क्या है टॉर्क, क्या है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है जानते हैं, उठिए जाइए, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए ना, लगाइए, ये क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है या टॉर्क, खोलते जाइए आप, लगाते जाइए, ये क्या कर रही है, क्या लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, बंद कर दीजिए, ये क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे ये बॉटल है, ठीक, ये बॉटल है, बॉटल है, कैसे समझे, छोड़िए बॉटल से नहीं समझना है, ये पेन है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसका कैसे, या कोई यहां आदमी खड़ा है इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है तो कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, उसका कैसा मोशन हो रहा है, सीधा, कैसा मोशन हो रहा है, सीधा, तो सीधा जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जब सीधा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फोर्स, क्या बोलते हैं, फोर्स, क्या बोलते हैं, फोर्स। और जब रोटेट करता है बॉडी तब जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कैसा इफेक्ट है, ये खोल रहे हैं तो देखिए इधर, ये खोल रहे हैं तो लगा तो रहे हैं फोर्स ही, लगा क्या रहे हैं, लिखना बंद, लगा क्या रहे हैं, फोर्स, लेकिन इसका इफेक्ट कैसा है, रोटेशनल इफेक्ट है, तो उसको फोर्स नहीं बोल के एक अलग नाम दिया गया फिजिक्स में, उसका नाम क्या है, टाऊ, क्या नाम है, टाऊ। ये क्या है, फैन में जो लग रहा है, क्या लग रहा है, चाहिए कैसा मोशन है, रोटेशनल या लीनियर, रोटेशनल मोशन है, क्या टॉर्क या फोर्स, टॉर्क, कोई दिक्कत, इतना बात क्लियर है। ये एफ क्या है, फोर्स, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, 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 ओके। ए क्या है, लीनियर एसिलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एसिलरेशन, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सब पता चल जाएगा, सही समय आने दीजिए,
अभी बस एग्जाम्पल पे ध्यान दे, ये क्या है क्रॉस है, ये क्या है क्रॉस है, इतना समझ में आया कि नहीं है, ये क्या है क्रॉस है, इनटू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्रॉस, क्या पढ़ेंगे कट, नोट कीजिए फास्ट फास्ट। ये सब जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो लेक्चर था ना पिछले पे है ना, उसमें खूब समझाया है सब, क्या एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सुने p इक्वल टू m इनटू v, 10th में 9th में सुने वही है 9th में, ये लीनियर मोमेंटम, कोई दिक्कत, हर एक तरह का दो दो वेरिएबल्स, एक लीनियर वाला एक एंगुलर वाला, एक लीनियर वाला एक एंगुलर वाला, लीनियर में जो होगा उसको क्या बोलेंगे फोर्स, एंगुलर में जो होगा फोर्स के बदले कौन आ जाएगा बोलो, फोर्स के बदले कौन आ जाएगा टॉर्क, फोर्स के बदले कौन आ जाएगा टॉर्क, लीनियर मोमेंटम के बदले कौन आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी के बदले कौन आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले कौन आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तुम आज तक ए समझते थे, एक्सेलरेशन मतलब ए, वो कैसा था ऐसा ऐसा, देखो 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 ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझा देते, मेरे चाल को देखना, मतलब स्टाइल मत देखना, जो समझाएंगे वो देखना, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ये कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन है बोलो ना, लीनियर मोशन, इस मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन कैसा हो रहा है स्ट्रेट हो रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, इसमें जो वेलोसिटी है, लिखो मत चोरी मत, इन्हें के छुपा छुपा के लिखना है, ऐसे चल रहे थे, ये कौन सा वेलोसिटी, कौन सा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला, लीनियर वेलोसिटी, ये v है कि ओमेगा से हम चल रहे हैं, v है, अच्छा वो जो फैन चल रहा है, रुको रुको कैमरा को देखना ध्यान से, हाँ ये क्या हो गया, ये देखना, ये देख, ये रुको, ये दिख रहा है फैन, फैन दिख रहा है, ये कौन सा वेलोसिटी है बताओ तो, ये क्या सीधा चल रहा है, पंखा यहां से खुल के यहां जा रहा है क्या, यहां से खुल के यहां जा रहा है क्या, नहीं, ये कौन सा वेलोसिटी है बताओ, एंगुलर वेलोसिटी है, कौन सा वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी है, नहीं समझ में आया, हाँ आ गया, अच्छा और एक बात रुको और समझाते हैं, ये देखना, रुको अब देखिएगा कैसे समझ में आएगा, तो गिर जाएगा ऐसे, थोड़ा ऑनलाइन क्लास वाले थोड़ा वेट कीजिएगा, इधर समझाने दीजिए, पहले रुकने दीजिए इसको, अच्छा पहले ये सोचिए लीनियर समझिए, बाइक है, बाइक चलाने आता है, कितने को बाइक चलाने आता है, आप लोग साइकिल, साइकिल स्कूटी, स्कूटी जो चला लिया हो तो बाइक भी चला लिया, सर हम लोग एरोप्लेन चलाते हैं सर, हम छोटा मोटा चीज नहीं चलाते, कितना क्लियर है, सुनिए बाइक घर से लेके निकले, घर से लेके बाइक में देखते हैं स्पीडोमीटर लगाओ, क्या बताता है स्पीड, क्या बताता है स्पीड, घर से निकले जीरो से स्टार्ट होता है स्पीड, नहीं स्टार्ट होता है जीरो से,
एक्सीलेटर भी है, ये बढ़ना जीरो से स्पीड 10, 20, 30, 40, 50 है कि नहीं, और दिए और बढ़ा और दिए और बढ़ा और दिए 100 तक स्पीड पहुंचा दी। मत पहुंचाना भागलपुर में, गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाइक बाइक कैसे चलता है, बाइक ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाता है क्या, मौत का कुआं जैसा। मौत का कुआं देखे हो, मेला देखे हो तुम लोग, कितने लोग मौत का कुआं में गए आप लोग, नहीं ठीक तो नहीं। तो बाइक जो चलाते हैं हम लोग, सड़क पे जो चलाते हैं क्या वैसे गोल गोल मौत का कुआं जैसा चलाते हैं, कैसा चलता है, सीधा सीधा मतलब लीनियर, वो एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है, लीनियर की एंगुलर, वो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, लीनियर की एंगुलर, ए बोले कि अल्फा बोले, ए, कोई दिक्कत। लेकिन मौत का कुआं जो घुमाया, सुनिएगा एक्सेलरेशन, यहां देखिएगा फैन वाला में बहुत जबरदस्त, फैन बंद है देखिएगा, पहला चक्कर जैसे स्विच ऑन करेंगे ना, पहला चक्कर जो है एकदम ऐसे, फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर और फास्ट, फिर और फास्ट, अब उतना फास्ट करेंगे तो समझ रहे मेरे ऊपर क्या बीतेगा, समझ रहे हैं ना। क्या किया, पहला चक्कर स्पीड कम था, फिर और स्पीड पकड़ा थी, फिर और, मतलब तुम समझो मजबूरी समझो, वैसा अगर करें कहीं हम उधर फेंका गए, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फैन का एक्सेलरेशन मतलब समझते हैं, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एक्सेलरेटर मारते हैं तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, स्पीड चेंज होता है, इसी को ना बोलते हैं एक्सेलरेट करो, क्या करो एक्सेलरेट, क्लियर है। तो अब देखो फैन अगर हम ऑन करेंगे, तुम थोड़ा देखना इस चीज को, महसूस करना, फील करना, पहला चक्कर देखना बड़ा धीरे से एकदम बोलिए ना ऐसे, दूसरा चक्कर बोलिए ना, फिर और स्पीड और स्पीड और स्पीड, देखना देखना, देखो ना देखो ना, देखना चालू करें, सब एकदम रेडी लगता है, इसे देखाने आज तक पंखा चलते हुए, देखो 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 देखो, देखना धीरे स्पीड पकड़ा और स्पीड पकड़ रहा है, और स्पीड पकड़ा और स्पीड पकड़ा, नहीं तो ये क्या हुआ, ये कैसा एक्सेलरेशन, क्या पंखा खुल के सीधा चल रहा है स्पीड में, नहीं ना ने सीधा चला क्या, ये कैसा एक्सेलरेशन है, एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, किससे डिनोट करते हैं, कोई चीज से डिनोट करेंगे ना, चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू, इसको क्या बोल दिया अल्फा, क्या बोल दिए अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर, भी क्या है बोलो तो, लीनियर के एंगुलर, भी क्या है लीनियर, कैसा वाला, वो भी है, वो क्या है ओमेगा, क्या है ओमेगा, क्या है ओमेगा, ये क्या है वी, कौन है हम जो चलते हैं, आप जो चलते हैं, वो कैसे चलते हैं लीनियर, सब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है धीरे धीरे, इसमें सबका रिलेशन है, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, ये क्या है एंगुलर, ये क्या है लीनियर, ये क्या है एंगुलर, ये क्या है लीनियर, फोर्स बोले तो सीधा, टॉर्क बोले तो, बोलो ना आया समझ में, अभी 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 नहीं आएगा लेकिन आ रहा है ना, और आएगा अभी, अभी तो मजा आ जाएगा, क्या करें कपड़ा लेके चल दिए, क्लास चलाना है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास चलता है ना, ये मस्त बहाना है, हम लोग के टाइम में भी ऐसा आया होता ना, मिस कर गए, उस समय तो फोन निकल जाता था ना, रास्ता में भी देख लिया कोई फोन पे
सेल्फी ले रहा है, ये कर रहा है, बहुत पूरा गांव में हल्ला होगा। आजकल सब कॉमन हो गया, सब समय समय की बात। धन्यवाद, थैंक यू कोरोना। नहीं, बच्चा सब बहुत खुश है, न एग्जाम का ठिकाना, न क्लास का ठिकाना, न एडमिशन का ठिकाना। एग्जाम्पल समझ में आ गया? कितना एग्जाम्पल में बताया आपको? चारों समझ में आया? कहीं कोई परेशानी है? कहीं कोई परेशानी है? हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? साक्षी कौन है? आपका नाम साक्षी है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट इज क्या? कम्यूटेटिव होगा। हेलो, देखो इधर, कम्यूटेटिव मतलब होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। क्या बराबर होगा? क्या दोनों बराबर होगा? क्या दोनों बराबर होगा? इसको ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल। क्यों? डायरेक्शन। ए क्रॉस बी किधर आया था? ऊपर। बी क्रॉस ए नीचे। इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? क्लियर है? बोलो। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो बराबर नहीं होगा। क्लियर बात? आगे देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज क्या होगा? क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब, लिखना बंद कीजिए ना, ए क्रॉस बी प्लस सी क्या लिखेंगे बताइए? इसका मतलब होता है ए किसके साथ है? बी के साथ भी और ए सी के साथ भी। इसको क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। नहीं आया? नहीं आया? बोलो ना। आगे नोट कीजिए, तीसरा नंबर देखिएगा, देखिएगा, देखिएगा। ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर, पैरेलल समझते हैं? बोलो ना। हाँ, पैरेलल ऐसे ऐसे। ओके, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। राजकुमार, आप स्कूल कब से आ रहे हैं? आ जाओ, अब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन में वो मजा नहीं। अच्छा, ऑनलाइन अच्छा कि ऑफलाइन? ऑफलाइन, ऑफलाइन का कभी ऑफलाइन को कम्पीट नहीं, मतलब से बेटर नहीं हो पाएगा ये ऑनलाइन क्लास, कभी नहीं। ए पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा कितना डिग्री होगा? एंगल कितना? एंगल कुछ बन रहा है? एंगल कितना होगा? पूछा जाएगा ए क्रॉस बी क्या होगा? बोलिए बोलिए। देखिए, ए का मॉड बी साइन थीटा कितना लोगे? साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है आजकल। साइन जीरो का वैल्यू आजकल क्या होता है? कोई भी चीज को आजकल जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आजकल क्या होगा? जीरो। समझ में तो आया नहीं होगा,
तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। सुनिए, लिखना बंद कीजिए, तुम अगर छुपा के लिखा तो कल से बरका डंटा लेके आएंगे, यहीं से मारेंगे इसे। जैसे इधर मुड़ते लिखना चालू, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। 100 करोड़ का बात बोल दिए, ये कितने करोड़ का है? 100 करोड़ वैसे बांट रहे हैं आप लोग के बीच, लेते जाइए। हाँ, नोट कीजिए, 100 करोड़ का बात। सब लोग ब्रेकफास्ट किए? हाँ नहीं, बाकी सब लोग कर लिए, हॉस्टल आप बस नहीं किए हैं, जाग कीजिए। बीच में गैप मिला था ना जी, हाफ एन आवर केमिस्ट्री क्लास के बाद, तो क्यों नहीं किए? नाम को खाना से क्या मतलब? मेरा नाम रहे न रहे, भूख लग गया तो हम नाम गुमनाम कर देंगे, लेकिन खा लेंगे, दूसरे का झपट्टा मार के खा लेंगे, है ना? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और आज के दौर में ये कोरोना काल में सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है? अपना हेल्थ देखना है। जब तक हेल्दी नहीं रहिएगा तब तक पढ़ पाइएगा? बताइए। इसलिए लंच बॉक्स लेके आना है, आराम से बैठ के पढ़ना है, इन्हें की धूर अंदर से भूख लगा हुआ है, टीचर को एकदम हरा भरा सुना रहे मन मन में, ऐसा नहीं। क्या करना है? ब्रेकफास्ट की लंच होता है ना, लंच का टाइम दिया जाता, खा के फिर बैठना है, डट के सामना करना है। ओके, आगे बढ़ें। अगला बात देखिए, अगला प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखें। ए वेक्टर क्या है? क्या लिखे? What will be the angle between A vector and B vector? Perpendicular है ना? ये A vector, ये B vector. Angle कितना degree होगा? Theta equal to 90 degree. A cross B, AB sine, बोलिए कितना degree? Sine 90. Sine 90. वन, ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी है इसमें? किसी को कोई डाउट? नोट कीजिए, फेयर कॉपी कहाँ है? जो रफ करेगा क्लास में उसका लाइफ क्या हो जाएगा? रफ। लाइफ को रफ बनाना है या फेयर? फेयर। तो क्या करना पड़ेगा? फेयर करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहां कीजिए, टाइम वेस्ट होगा ना, घर में जाके फिर फेयर कीजिएगा, यहां रफ कीजिएगा, यही करते रह जाइए। ऐसे घर में जाके क्या किए? आराम से लेक्चर लगा दिए, रिवीजन कर रहे हैं, है ना? ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ की क्या होगा बताइए? ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? देखो ध्यान से, हाँ देखिए, ए वेक्टर ये है, किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल हमेशा जीरो डिग्री होता है। ए वेक्टर का एंगल खुद ए वेक्टर के साथ क्या होगा? जीरो। क्या बोलना है? जीरो ना। इस दोनों के बीच का एंगल क्या? जीरो। जीरो
ये कितना, ये कुछ भी होगा थीटा, ये क्या हो गया जीरो, जो बोलना है बोलो। थीटा कितना डिग्री लोगे, जीरो। ये क्या होगा ए, बी के जगह पे भी क्या है ए साइन, सब डर से बोलता है, जो बोलना है बोलो ना, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कोई भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा जीरो। नहीं आया समझ में, आ रहा है? आ रहा है सबको, आ रहा है? मिटा दें, इधर मिटा है। आगे हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, 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 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सामने देखिए, हेलो, ये ऐसे करके हाथ क्यों देख रहे हैं? आंख देख के हम आदमी का कुंडली बता देते हैं, क्या करते हैं, आंख देखे कुंडली बता देते हैं। बच्चा किस दिशा में जाएगा, ये बच्चा क्या करेगा आगे, सोच लीजिए। आपके आंख को देख के हम पढ़ रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आप अच्छा कीजिएगा, घबराना नहीं है। जो बच्चा शांत है, शांत है, ज्यादा छटर पटर नहीं है, वो बच्चा में पेशेंस ज्यादा होता है, है ना, वो बच्चा हमेशा अच्छा ही करेगा एग्जाम। अब उतना भी शांत नहीं कि हम आपको पिंच कर रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं, बहुत बच्चा होता है लाख आप पिंच कर लीजिए उसके मुंह से बोली नहीं निकलवा पाइएगा। हम लोग ऐसा टीचर हैं जो नहीं बोलने वाला है उसको पिंच करवा के उससे भी निकलवा ले, ये जान लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या, यूनिट वेक्टर कितना होता है, तीन तरह का होता है, कितना तरह का, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बताए होंगे तीन तरह, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एक इधर क्या, इधर क्या, इधर क्या, पक्की बात। देखो एक ट्रिक देख लो, नाम सुने है सबका, नहीं ना, वीडियो देखना स्टार्ट किए, कितने लोग स्टार्ट कर दिए, आप कल पहला वीडियो देखे थे, मिला था वीडियो और देखे थे, कौन सा, क्या बताए थे पहले वाले, याद नहीं है, पहला वाला देखे, क्या बताए थे, हाँ सही है, सही है, बस वीडियो देखते हैं कि नोट्स भी देखते हैं, नोट्स बनाए, आप नोट्स बनाते हैं, नहीं है, कॉपी में है, देखिए इधर ये ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ये क्या है आई कैप, ध्यान देखना, ध्यान देखना, ध्यान देखना, ये क्या है, जे कैप, जे कैप, जे कैप, और ये क्या है, के कैप, ओके, खट 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 खट, पूछेगा कोई आई कैप, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, जे कैप, खट इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे कैप, पूछेगा तो क्या बताओगे, के कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बताएंगे कैसे हुआ, कोई पूछ देगा खट
क्रॉस, कट, बराबर, क्या बोलो? आई कैप, वेरी गुड, तो कट हो गया। कोई पूछ देगा के कैप, क्रॉस, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जी कैप, क्लियर है? बोलो ना, बोलो ना, ये फिर सौ करो, फिर सौ करो, सोच लो, इसको लिखेंगे जरूरी बात, क्या है ये? जरूरी बात, जेड, नोट कीजिए, आराम से, घबराना नहीं, घबराना नहीं है। बुक खरीद लिए, बुक ले लिए, क्यों? वेस्टेज ऑफ मनी, बुक खरीदना वेस्टेज ऑफ मनी है। आप बुक लिए, आप, हेलो, सेकंड, कौन सा बुक लेना है पता है? आगे बढ़ा जाए, देखो एक और दो हमको, एक और दो, वो बोला देखना ध्यान से, सब लोग आ जाओ सामने, सब लोग आ जाओ सामने, ये देखो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, कैसा लगता है वीडियो में, देखना ये क्या है, जल्दी बोलो, इधर क्या है, देखो ना, देखो ना, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, कौन सा एक्सिस, ये, 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 जो नहीं बोलेगा उस नहीं सीखेगा, ये, 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 इधर डायरेक्शन कौन बताता है, इधर डायरेक्शन, इधर, 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 कोई दिक्कत वाली बात? अब आपको करना है आई कैप क्रॉस, आई कैप क्रॉस, सबके पास अपना अपना है, राइट हैंड सबके पास, थैंक्स, थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, सबके पास पांच पांच है ना उंगली, नहीं छह उंगली भी होता है आदमी के पास, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको क्या बोलते हैं, बुला नहीं रहे हैं, फोर फिंगर है ये, ठीक, ये क्या है, ये क्या है, थंब, ओके, एक नियम है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जैसे सिंपल सोच लो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर, राइट, बोलेगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, क्या बोलोगे, ए पे इसको रखो फोर फिंगर को, बी की तरफ घुमा दो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ही थंब देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या देगा, कौन देगा, थंब, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, सब अपना अपना दो कलम ले लो, सब ले लो, दो दो पेन, जल्दी लो, ले लिए, हाँ लगाओ, ऊपर करो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे पकड़ करो, वो कट, ऐसे कट, ए क्रॉस बी किधर आया, ऊपर, बी क्रॉस ए करो, तो ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी ऊपर, तो बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए, कट 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 कट, जबरदस्त, जबरदस्त कट, है ना, सबको आया, बोलो ना, yes, sir.
ध्यान से देखो ये क्या था, इधर आई कैप, इधर इधर के कैप, हमको करना क्या, आई कैप क्रॉस, ध्यान से देखना, गजब होने वाला है, देखो ना ये क्या है, आई कैप आई जे कैप, देखना ये क्या है, ये क्या है, फोर फिंगर, मेरा क्यों देखते, सब अपना अपना ऐसे ऐसे करो, सब करो, मेरे हाथ के भरोसे नहीं जी पाओगे, दूसरा का चीज दूसरे का होता है, अपने पे भरोसा रखिए, इतना क्लियर है, देखो ये क्या है, फोर फिंगर, करना है आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप पे किसको रखेंगे, रखो ना फोर फिंगर को आई कैप, हाँ ऐसे कैसे भी कर देना, ऐसे रखना है, क्रॉस जे कैप की तरफ घुमा, घुमाओ ऐसे, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, थंब देखो किधर आया, ऐसे आया सामने की तरफ आया कि नहीं आया, आई कैप क्रॉस जे कैप किधर आएगा, इधर आई कैप क्रॉस जे कैप, इधर कौन सा डायरेक्शन था अभी, के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात, अब देखो अगला क्या है, जे कैप क्रॉस, देखो ये जे कैप है, आई के कैप है, पक्की बात, करो तो खुद से, करो तो खुद से, सब करो तो, देखिए आप लोग जिधर मन तिधर घुमा रहे हैं, ये फिर गलत बात, ऐ ऑनलाइन क्लास वाले तुम लोग खुद से अपने घर में करो, घर में ही रहो एकदम, सब करो, कैसे कर रहे हो, क्या करना है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप के कैप इधर भी सो गया, आई कैप को आई जी इनके लिए कैसे से कैप इधर, इधर जे कैप है, इधर ठीक है, राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड आपका कौन सा है, ये वाला ना, जे कैप कैसे को आई से करके घुमा, अब पेन है घुल गया, इसीलिए बोलते हैं पास है इसका, घुमाता है उसे चक्कर में, ऐसे ऐसे है, ऐसे घुमाएंगे, इधर डांस, इधर कौन सा डांस, तुम किधर कर रहे हो, देखो कैसे किधर कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, ऐसे करते ऐसे ऐसे हेलो बच्चों, देखिए ये जी कैप ये के कैप, कट कट, समझ में आया, तीसरा करके देखो खुद से, तीसरा खुद से करके देखो, तीसरा करो जल्दी करो, के कैप किधर है, देखो के कैप किधर है, के कैप ऐसे, अरे ये ऐसे है, ऐसे ये ऐसे ऐसे है एक्चुअल में, के कैप किधर, ऐसे ऐसे, और आई कैप ऐसे है, आई कैप ऐसे, ये ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाने देगा, ये ऐसे है, क्या कीजिएगा, के कैप क्रॉस आई कैप कीजिए, के कैप पे फोर फिंगर को रखिए,
अक्रॉस आई कैप कट। हाँ ऊपर क्या है बोलो ना, जिक्र नहीं आया? सबको आया, मजा आया, खूब आया, बोलो ना। हम किससे लिख रहे थे? किससे लिख रहे थे? चलिए देखिए, क्या कर रहे हैं सर? अरे काम का चीज कर रहे थे, बताइए भला। यही होता है ऑनलाइन क्लास में, पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं कि टांग घुमा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए देखिए इधर। अब पूछेगा आई कैप क्रॉस आई कैप, अरे दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? हीरो। फिर सिमिलरली क्या लिखे हैं? सैली नहीं, सिमिलरली सैली 2018 की स्टूडेंट, फिजिक्स में 99 मार्क्स है, 100 में कितना? 99। अभी इंजीनियरिंग कर रही, सोच तभी से लिखना स्टार्ट कर दिया सिमिलरली को सैली। जे कैप क्रॉस, जे कैप क्या होगा? के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? जीरो। क्लियर है? तो आई कैप खट क्रॉस खट बराबर खट क्रॉस खट बराबर खट क्रॉस खट बराबर खट खट खट, बोलो ना खट खट खट। नहीं समझ में आया? खट आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे फिर ये 100 करोड़ का हो गया। कितने करोड़ का है? 100 करोड़। आगे बढ़ाएं, एक और चीज है, देखिए ध्यान से देखिए। सुनो गौर से देखो, इधर क्या था? इधर 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 क्या होगा? माइनस आई कैप। इधर आई कैप, तो इधर क्या होगा? इधर क्या, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? क्लियर? बोलो ना यार, लगा के कैसे बैठ जाते हैं? कंफर्टेबल अच्छा लगता है, मजबूरी है ने? अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम गलती में हैं, हम नहीं लगाए हैं, हम कभी नहीं लगा पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो ऐसा लगता है। छेद उद है ना जी बीच में, कैसे आप लोग सांस ले रहे हैं? हम कंफर्टेबल से देख रहे हैं, एक घंटा दो घंटा से लगा के बेचारा बैठा हुआ है बच्चा। अच्छा है, सेफ्टी सबसे जरूरी है, आप लोग के पेशेंस को सैल्यूट करना पड़ेगा। हम 10 मिनट भी नहीं लगा पाते, इसलिए हम बोल हम लेकिन पॉकेट में लेके चलते हैं, कहीं पुलिस वुलिस पकड़ा निकाल फटाक से लगा लेंगे, उस समय भी नहीं लगाते हैं। 100-200 चलान काट दे ठीक है दे देंगे, लेकिन लगाएंगे नहीं, लगा पाते, दूसरे टाइप का लगता है, मुंह सब नोचने लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, एक बेचैनी सा छा जाता है। आप लोग को कंफर्टेबल? वेरी गुड,
चलिए अगला चीज आप लोग को सिखाते हैं। समझ में आ रहा है क्या जो अभी बोले? वही बस टॉपिक आया ना। हाँ, एक बच्चा था पिछले बैच में, उसको हम जो एक्स्ट्रा बात करते थे वही बस समझ में आता था। पूरा 2 साल तक वो वही समझता रहा। जैसे पढ़ाई वाला बात करना स्टार्ट किया उसको समझ में आना बंद। वो क्लास ही आता था वही एक्स्ट्रा बात थी सुनने के, काम का बात उसको समझ में नहीं आता। बोलता था सर उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपका समझ में आता, जो बोर्ड पे खाली लिखते हैं बस वो समझ में नहीं आता। इसलिए हम पूछ लेते हैं आप लोग से कि कहीं कोई दिक्कत है तो खड़े होके एकदम क्लियर पूछ ले। ओके, अगर बोल दे इसको देखिए पलट देगा, क्या बोलेगा? आई कैप क्रॉस जे कैप बताए थे ना, बोल देगा जे कैप क्रॉस आई कैप क्या, पूछ देगा के कैप क्रॉस जे कैप क्या, पूछ देगा आई कैप क्रॉस के कैप क्या, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? करो खुद से, करो करो फिर करो जैसे इसको किए थे, करो हाथ निकालो। पेन अभी अंदर मत रखिए, अभी खूब यूज होगा, कीजिए। तुम इधर उधर घुमाया ना तब देखना, मेरा नजर तुम्हारे पे ही। सही सही कीजिए, सीरियसली एकदम कीजिए। देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप, ये जे कैप है और ये क्या है आई कैप। देखो ध्यान से, जे कैप आई कैप इधर है ना, जे कैप ध्यान से देखना देखना देखना, जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, इधर क्या होता था? तो इधर क्या होगा? माइनस के कैप। यहां क्या लिख, नहीं आया नहीं आया, ये है जे कैप आई है, ये के कैप है। जे कैप पे हाथ रखो, तुम्हारा पेन ही नहीं पकड़ाता है यार, गिर जाता है। तू खा के आएगा कल से अच्छे से, तू देख किधर रखा है, राइट हैंड कहाँ है, वही है राइट हैंड, हाँ वही है, हाँ वही है। इस पे रखी ऐसे, यार तू किधर रख रहा है, रुक। अरे हाथ पकड़ के बच्चा को सिखाना पड़ता है, तब बच्चा नहीं सीखता, ये ऑनलाइन क्लास है ना। सबका हुआ जी, चेक इंस्ट्रक्शन हुआ? हाँ सर हो गया, बहुत आपकी झूठ का ऐसे ऐसे चेक हुआ, हो गया सर। अंदर से बोलिए, आप परेशान लग रहे हैं, हाँ कंफर्टेबल क्या जी बोलो, हाँ फील कर रहे हैं ना, वेरी गुड बात, ये सब पॉइंट पकड़ लेता है। के कैप क्रॉस जे कैप बताइए, कीजिए के कैप उधर करो ना, उधर उधर करो ना, के कैप उधर 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 अपने तरफ, हाँ वो ना है के कैप अपने तरफ है ना, और जे कैप ऊपर करो, हाँ हाँ क्या होगा? के कैप क्रॉस जे कैप करना है, पहले के कैप पे 4 फिंगर करो, हाँ तब ऊपर घुमाओ, किधर आया? इधर ना आया, इधर क्या होगा? माइनस नहीं होगा, इधर आई कैप क्रॉस के कैप करो, आई कैप क्रॉस के कैप, हाँ आई कैप पे जाओ, पहले आई कैप पे 4 फिंगर रखो। तुम क्या कर रहे हो यार, तू देख ले तीनों का डायरेक्शन, हाँ तो क्या करना है? आई कैप क्रॉस के कैप, हाँ सही है कर, हाँ उल्टा हाथ उठ ऐसे 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 घुटा देना, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप खट, क्या होगा यार? तू ध्यान से देख, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है ना, आई कैप है ना,
जे कैप है ना, खुद तो बोले हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस, ए क्रॉस बी, यहां बी क्रॉस ए तो माइनस नहीं लगेगा, नहीं समझे, यहां आई कैप क्रॉस जे कैप पलट दिए, जे कैप क्रॉस आई कैप तो माइनस लगेगा, नहीं बोले थे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बोले थे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बोले थे कि नहीं बोले थे, नहीं आया समझ में, फील आया पक्का, बोलो ना, फिर 100 करोड़ यार, 100 करोड़ तो ऐसे बैग में पैक करके महा इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात, सुनो ना, इसका एक ट्रिक भी है, इस समय का तो पता ही नहीं चलता, हो गया टाइम, कब का हो गया है, पता चलता है क्या, बोलो ना, बोल रहा है हाँ चलता है, आई कैप जे कैप ये है के कैप, ध्यान से देखिए, ये लोग बेचारा बड़ा समस्या में, टॉपिक ही ऐसा, हम क्या करेंगे, जब तक ऐसे करके हम देखेंगे नहीं कि बच्चा कैसे कर रहा है, आएगा समझ में ऑनलाइन क्लास में, बताइए, ये ऐसे था ना, ऐसे था ना, नो प्रॉब्लम, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बोल देते थे, जे कैप क्रॉस के कैप क्या बोल देते थे, के कैप क्रॉस आई कैप क्या, क्लियर है, क्या बोले, इतना क्लियर है, अब देखिए, अब इसका उल्टा चलिए, पूछेगा जे कैप क्रॉस आई कैप, एरो के उल्टा चलिए तो माइनस के, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, नहीं आया, इस एरो के उल्टा चलना है तो क्या लगा देना है, नहीं आया, ये ट्रिक है, रूल भी आप समझ गए, रूल से भी समझ गए, पक्की बात, पक्का ना, ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर बाकी करते हैं अगले क्लास, बोलो ना।